नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनी। आपके अपने अदब परिवर्तन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो प्रोटीन से भरपूर है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है और कब्ज से भी राहत दिलाता है। वह है खसखस का हलवा। लीजिए, हम बनाना। हमने 250 ग्राम खसखस ली है। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए गुनगुने पानी में हम भिगो देंगे। इसको हमने 5 घंटे भिगो दिया था। अब ये खसखस फूल चुकी है, इसे हम छान लेंगे। अब इसका सारा पानी हमने छान लिया है, इसे अब हम मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर में दूध के साथ पीस लेंगे। खसखस को हमने दूध के साथ अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसे हम हलवा बनाएंगे। हम सबसे पहले घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें हम खसखस डाल देंगे। हम धीरे धीरे मीडियम आंच पर सेकेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट तक सेकना है और इसे हमें चलाते रहना है। खसखस का हलवा सर्दियों में बनाया जाता है। यह बड़ों और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है और खास तौर से बच्चों के तो बढ़ते बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये पक चुकी है। अब इसमें हम पानी, गर्म पानी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं। इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे। दो कप गरम पानी डाल रहे हैं। इसके साथ ही हमने बादाम पीसी थी, वह भी डाल रहे हैं। शक्कर डाल देंगे। शक्कर स्वाद के अनुसार आप जितना मीठा खाना चाहें उतनी ही डालें। पानी पूरी तरह से सॉफ्ट ना दे तब तक हमें इसे पकाना है धीरे धीरे, तभी हमारा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नमस्कार।